बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमिर शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। और नाज़रीन गिराम, मैं इस वक्त मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के उस हॉल में मौजूद हूँ जहाँ आज हमारी लेजेंड आर्टिस्ट मोहतरमा मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश किया जाना है। और साथ ही यहाँ हमारी मुल्तान की इस वसेब की, इस पाकिस्तान की और पूरी दुनिया में एक मानी तानी आवाज़ सुरैया मुल्तानीकर को आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना है। और हमारे बहुत से प्यारे सिंगर जो हैं, बहुत सी प्यारी आवाज़ें, वो आज यहाँ परफॉर्म करेंगी और मैडम के गाए हुए गीतों को गाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ मैडम नूर जहाँ के गीत यहाँ गाए जाएंगे, वहीं मैडम सुरैया मुल्तानीकर के गीतों को भी उनके सामने उनकी मौजूदगी में गाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश होने जा रहा है बहुत जल्द इंशाल्लाह। और मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट और मैडम सुरैया मुल्तानीकर की मौजूदगी में उन्हीं के गाए हुए गीत जो हैं वो आपकी खिदमत पेश किए जाएंगे। मुल्तान की तारीख जब भी लिखी गई और अभी तक लिखी जा रही है, मुख्तलिफ रिसर्चर्स जितने भी रिसर्च कर रहे हैं मुल्तान पर, उसमें सुरैया मुल्तानीकर का नाम ना हो तो वो तारीख मुकम्मल ही नहीं होती। तो ये दोनों ही, मुल्तान की तारीख और मैडम सुरैया मुल्तानीकर, एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। एक बहुत ग्रेट क्लैप हमारी मैडम के लिए और इनका शुक्रिया कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं, ये सलामत रहें, इसी तरह आती रहें और हम इनको देखते रहें। और ये इतनी, और देखें, और सबसे इनका जो स्पेशल और बल्कि स्पेशलिटी है और अल्लाह ताला की एक ख़ास अता है, इनका खूबसूरत मीठा लहजा। यकीन कीजिए, जब बोलती हैं तो अपनी गुफ्तगू के हसार में हम कैद हो जाते हैं। और इतना खुश इखलाक होना, और मैं बल्कि कहती हूँ कि प्यार, मोहब्बत और खुश इखलाकी इनसे इजाज़त लेती है, तो ये गलत ना होगा। एक और क्लैप मैडम के लिए। जी, आमली तालियों में कंजूसी कभी भी नहीं करनी। दूसरी हमारी हस्ती मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां, कौन नहीं जानता, ये हुई ना बात। मलके तरन्नुम नूरजहां, उनकी बायोग्राफी और वो भी एक तारीख है अपने फन में। हमारी आज की नौजवान नस्ल की खूबरू गुलुकारा, नौजवान बल्कि जो हमारे जितने भी गुलुकार इस वक्त इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कि उनकी रिप्रेजेंटर गुलुकारा बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं। अल्लाह की अता है इनको भी खूबसूरत आवाज़, सुरीली आवाज़, और माशाल्लाह हारमोनियम भी प्ले करती हैं। और गज़ल में तो स्पेशल इनका एक खासा है, इनकी पहचान है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में हफ्सा नदीम।
बहुत शुक्रिया। Thank you.
आपके सामने इसको परफॉर्म करूंगी तो आपकी इजाजत से, और छोटी सी कोशिश है अगर गलती हो जाए तो माजरत।
जिस आर्टिस्ट को बुलाने जा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत, वो कहते हैं ना, भारी भरकम उनका प्रोफाइल है और हमेशा से मेरी आइडियल रही हैं और मेरी वैसे भी बेस्ट फ्रेंड हैं। बहुत स्वीट, बहुत मीठा बोलने वाली और बहुत प्यार करने वाली और बहुत ही सोशल एक्टिव हैं और बड़ी कमाल अपने ताल्लुकात को हमारे, मतलब जब से मैं उनसे मेरी दोस्ती हुई है तो कमाल इन खूबसूरत रिश्तों को निभाती हैं। जनाब तमगा इम्तियाज और बेस्ट एजुकेशनिस्ट, साबका जीएम पीटीवी मुल्तान और बहुत सॉफ्ट, बहुत नरमो लहजे की गुलुकारा और इतनी बड़ी माँ की ऐसी बेटी ही होनी चाहिए थी। आपकी भरपूर तालियों में राहन बानो मुल्तानी को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैडम नूरजहां साहिबा का प्रोग्राम और इसमें शमूलियत में समझती हूँ कि हम सब आर्टिस्ट के लिए एक ऑनर की बात है और साथ में एक लिविंग लेजेंड, नॉट एज अ मदर बट एज एन आर्टिस्ट, माशाल्लाह वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुल्तान, सुरैया मुल्तानी का साहिबा, और उनके सामने गाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हमेशा। और आप सबकी इजाज़त से और सब बहुत अच्छे सुनने वाले और बहुत अच्छा म्यूज़िक जानने वाले लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप सबके सामने मैडम नूरजहां साहिबा का एक अनमोल गीत फिल्म अनमोल घड़ी से, 1946 शी सैंग इट इन इंडिया, नौशाद साहब का म्यूज़िक और उनके साथ जो डुएट गाया वो सुरेंद्र साहब ने गाया, एक पुराना गीत, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं जी।
जुबे कहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है आबाद मेरे दिल में अमीर का जहाँ आबाद मेरे दिल में अमीर का जहाँ ऐसे में तू साहबा ने इसे गाया और अमर किया।
और फैज साहब ने ये खूबसूरत नज्म, मैं इसलिए बार बार नज्म पे जोर दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग इसको गजल समझते हैं, ये उनकी नज्म है और मैडम साहबा ने इसको गा के अमर किया। और सबसे बड़ी बात थी कि इसकी ट्यून भी मैडम साहबा ने खुद तरतीब दी, बगैर म्यूजिक के इन्होंने गाया, फिर इसके बाद ये उन्होंने म्यूजिक के साथ इसको रिकॉर्ड कराया। Thank you.
बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गीत गाए जो सबके दिलों पे नक्श है। Thank you.
सोनी दुआ सारे वतन वास्ते सारे मुल्क वास्ते अम्मी जी गावी असा उन्हां को स्टेज ते सैलेंट पहले अवार्ड तो पहले ये दुआ आखसू मैडम वाहे शख्सियत हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पे कायम रहे। ये वाहिद इस वक्त फीमेल सिंगर हैं जो प्योर खालिस 24 कैरेट गोल्ड क्लासिकल म्यूजिक गा रही। इस वक्त और कोई पाकिस्तान में फीमेल सिंगर नहीं है जो प्योर क्लासिकल गाए। राशन अरा बेगम साहबा थी, वो इस दुनिया से चली गई। ये तो हमारा मान है। दुनिया में तीन चीजें तो मशहूर हुई हैं, हलवा मुल्तान का आम, और आमों और हलवे जैसी मीठी आवाज रखने वाली मैडम सुरैया मुल्तानी कर सब। अभी जब मैं मैडम के घुटनों को हाथ लगाया तो मैडम ने मेरे हाथों को जब छुआ तो मुझे सराइकी में कहती है, बाबा तेरे हाथ डाढ़े ठड्ढेन, खैर है? मैं कह मैडम तुहाडे सामने तो वड्डे वड्डे ते सारो कवैन, मैं क्या चीज हाँ। एक्चुअली ये वो अदब है, वो एहतराम है, वो मोहब्बत है जो हम मैडम के लिए अपने दिल में रखते हैं। उनकी आजजी आप देखें। मैं ऑल क्रेडिट देता हूं रियाज हमदानी साहब, सैयद रियाज हमदानी साहब और उनकी टीम को, पंजाब आर्ट्स काउंसिल को,
कि उन्होंने दो बड़ी शख्सियात के बारे में यह एहतमाम किया है। अब देखें, एक थोड़ी सी कदरे मुश्तरक भी है दोनों में। मैडम नूरजहां ने अपनी प्लेबैक सिंगिंग का जब आगाज किया तो प्री पार्टीशन से पहले किया, फिल्म थी गुल बकौली। और पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग, मैं आई रिपीट इट, मैडम सुरैया मुल्तानी कर साहबा ने भी प्लेबैक सिंगिंग का आगाज किया तो उस फिल्म का नाम भी गुल बकौली था, वो पाकिस्तान में बनी थी। मगर उससे कबल क्लासिकी मौसीकी में, काफियों में मैडम तो अपना नाम बना चुकी थी और बाकायदा उस्तादों से सीखा, जिस तरह मैडम नूरजहां ने सीखा। और मैं एक और ऐलान भी करना चाहता हूं कि मैडम अभी थोड़ी देर बाद आपको जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, और बड़ी शख्सियात आपको वो अवार्ड देने वाली हैं, उनमें सेक्रेटरी हेल्थ हैं हमारे अफसल नासिर साहब, और एडिशनल कमिश्नर हैं जनाब अब्दुल जब्बार साहब, और उनको मैं दावत भी दे रहा हूं कि सर आप तशरीफ ले आए, रियाज हमदानी साहब भी हैं। तो मैडम के लिए आपने इतनी तालियां बजानी हैं जब लाइफ टाइम अचीवमेंट में, और ये स्टैंडिंग ओवेशन हो गया, आप प्लीज खड़े होकर, मैडम को भी तो पता चले कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। मैडम का प्यार खालिस माखी जैसा, मैडम की मोहब्बत हमारी मां जैसी, मैडम हमारे मुल्तान की शान, मौसीकी की वादी की परी। हमारे मुल्तान के म्यूजिक के माथे का झूमर मैडम सुरैया मुल्तानी कर साहबा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मुबारक हो हम मुल्तानियों की जानिब से। ये हमारे नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारी बहनें बेटियां खड़े होकर आपको ट्रिब्यूट पेश कर रही। तो मैडम वी ऑल लव यू। ये प्रोग्राम जो है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया और इसमें मुल्तान की अच्छी आवाज़ों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। इसमें नादिया हाशमी, शमीम अंसारी, इसमें हफ्सा नदीम और दूसरी फनकारों ने परफॉर्मेंस दी। और ये प्रोग्राम बेशक एक याद के तौर पे मनाया गया, लेकिन इस याद में जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी शानदार थी, और उस परफॉर्मेंस से यूं लगा कि जैसे मैडम की यादें जो है वो कभी भी हमारे दिल से नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट हमेशा अच्छा काम करता है और उसकी आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक, हमारे दिलों तक, हमारे कानों के रास्ते उतरती है। और वही एक आवाज़ की जो आज परफॉर्मेंस थी वो हमारी यहाँ की आर्टिस्टों ने, मकामी आर्टिस्टों ने बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत महफिल, और हमारा ऑर्केस्ट्रा भी बड़ा शानदार, और ऑडियंस ने भी इस प्रोग्राम को बड़ी भरपूर तवज्जो से देखा। और ये प्रोग्राम हम ना भूलेंगे तुझे के उन्वान से आज मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने बेशक अपनी एक फखरिया पेशकश के तौर पे पेश किया, और इतनी बड़ी आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश किया ये उनका हक था, वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने फ़न और इस मौसीकी की बहुत खिदमत की, और रहती दुनिया तक उनकी फ़न और मौसीकी का जो उन्वान है, जो उनका टाइटल है, जो उनका ये एक उन्हीं का एक खासा है, वो हमेशा कायम रहेगा। आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न, मुल्तान सेंटर।